शहर में लगातार सामने आ रही चाकूबाजी की घटना के बाद शुक्रवार रात को पुलिस सक्रिय नजर आई। इस दौरान तीन सवार बिना नंबर प्लेट वाहनों के साथ ही चालकों की चेकिंग और वाहनों के दस्तावेजों की जांच एसपी की मौजूदगी में की गई, जहां पर एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह द्वारा शहर में घूमते दिखे और चेकिंग पॉइंट का निरीक्षण करते देखे गए, जहां पर इस दौरान उनके साथ सीएसपी विवेक सिंह भी मौजूद रहे। दरअसल पिछले दो दिनों से हो रही निरंतर चाकूबाजी की घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए, जिसके मद्देनजर शुक्रवार को पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया और पुलिस कप्तान खुद निरीक्षण करते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा कुछ ही घंटों में घटित उक्त घटना का त्वरित व शीघ्र कार्रवाई कर घटना का पर्दाफाश कर सफलता प्राप्त की है। वही क्षेत्र में हो रही लगातार चाकूबाजी की घटना के चलते पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते देवास एसपी बताया कि हमारे द्वारा कस्बा जारी। वर्तमान में अपराध का ग्राफ देवास से जिले में पहले बड़ा था, फिर कहीं नवागत एसपी आए डॉक्टर शिवदयाल सिंह, उनका खौफ जरूर था अपराधियों में, वो खौफ कुछ समय तक रहा, उसके बाद फिर अवैध काम का गतिविधियों का गढ़ देवास कहलाने लगा। लेकिन एसपी फिर अपने रूप में आकर पुलिस अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को कर्मचारियों को आदेश दिया था कि मैं अवैध काम नहीं सहन करूंगा। वो अवैध शब्द जिस दिन देवास एसपी आए थे उस दिन से उनको उस शब्द पे नाराज़गी थी। चूँकि अगर बात करेंगे हम देवास के शहर की, तो यहाँ पर दो दिन पहले संलग्न निरंतर दो चाकूबाजी की घटनाएँ हुई है। पहली घटना हुई थी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत केला देवी मंदिर के पीछे, जहाँ पर तीन नाबालिग बच्चों ने एक छात्र को चाकू मारे। उसके बाद दूसरी घटना 24 घंटे के अंतराल में उज्जैन रोड स्थित बीमा अस्पताल के यहाँ पे हुई। उसके बाद देवास एसपी कहीं ना कहीं इस बढ़ते अपराध को लेकर नाराज दिखे। उनकी नाराज़गी इस तरह थी कि अपराध कैसे भी कंट्रोल होना चाहिए, जिसको लेकर वो खुद इस वक्त रात की 10 बजे पहले वो केला देवी मंदिर गए, वहाँ उन्होंने लोगों से चर्चा करी, चर्चा के बाद बीमा अस्पताल के यहाँ पर आए, वहाँ भी उन्होंने लोगों से चर्चा करी, चेकिंग अभियान चलाया। उसके अलावा लोगों से उन्होंने पूछा पुलिस की गश्त होती है या नहीं होती है, जहाँ उनको लोगों से अच्छा रिजल्ट मिला। लोगों का कहना था हम पुलिस से खुश हैं। इस वक्त हम खड़े हैं उज्जैन रोड पे बीमा अस्पताल के यहाँ, देवास एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह भी यहीं पर हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे कि सर बढ़ते हुए अपराध के ऊपर कब कंट्रोल होगा, क्योंकि संलग्न अगर 24 घंटे की बात करें तो दो घटनाएँ चाकूबाजी की हुई है। सर केएनएन न्यूज़ में आपका पहले स्वागत है। सर देवास में 24 घंटे में दो चाकूबाजी हुई और दोनों ही घटनाएं नाबालिग बच्चों द्वारा की गई, क्या मानते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, हमने सभी थाना प्रभारियों को, सभी चौकी प्रभारियों को ये निर्देश दिए हैं कि शाम के टाइम पर 7 से लेकर 9 बजे तक कस्बा भ्रमण करेंगे। अपने समस्त स्टाफ के साथ सभी लोग अभी रोड भ्रमण पर, कस्बा भ्रमण पर रहते हैं। उसके बाद में रात को 9 से लेकर 12 बजे तक हम लोग रोड पर पेट्रोलिंग और चेकिंग लगाते हैं। उसी क्रम में हम उसको चेक करने के लिए आज निकले हैं। सभी जगह देखा है कि कई जगह चेकिंग लगी हुई है, कई जगह अच्छी चल रही है, ना केवल शहर में बल्कि ग्रामीण इलाके के जो थाना प्रभारी हैं, चौकी प्रभारी हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है। तो पिछले दो पखवाड़े से, पिछले 15 दिन से ये चेकिंग लगातार जारी है। इसमें हमने लगभग आधा दर्जन हथियार पकड़े हैं, काफ़ी सारी मात्रा में हमने अवैध शराब पकड़ी है, काफ़ी हमने ऐसे चोरी के वाहनों को पकड़ा है पिछले एक सप्ताह में जो बिना नंबर प्लेट के, बिना कागजों के जा रहे थे। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारा प्रयास है कि आम जनता को ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके बीच डेवलप हो और उनको ये लगे कि पुलिस चूंकि रोड पर है, गश्त पर है, इसलिए हम सिक्योर हैं, सेफ हैं। सर अगर बात करेंगे, आप जिस तरह से आपने अपराध की बात करी, आपने कंट्रोल भी कराया ऐसा बोल रहे हैं आप खुद, उसके बाद भी अपराध बढ़ रहा है। सर अगर हम शहर की बात करेंगे तो अवैध शब्द जो आपने नाराजगी दिखाई थी, जुआ सट्टा भी शहर में चल रहा है, हमने आपको पहले भी अवगत कराया, चाकूबाजी की घटना भी आपके सामने बिल्कुल 24 घंटे के अंतर ही है, क्या पुलिस का ऐसा खौफ नहीं लोगों में? नहीं, पुलिस का लोगों में खौफ नहीं होना चाहिए, आम आदमी में पुलिस का विश्वास होना चाहिए, अपराधियों में खौफ होना चाहिए। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि अपराधी तत्वों में जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके कारण समाज की व्यवस्था को चुनौती मिलती है, हमारी सांप्रदायिक सौहार्द को चुनौती मिलती है, सामाजिक समरसता को चुनौती मिलती है, उन लोगों में खौफ होना चाहिए। जो आम आदमी है वो पुलिस के साथ सहृदय रहे, विश्वास उसके अंदर एक हो कि यदि उसको कभी आवश्यकता पड़ी, उसको कभी ज़रूरत पड़ी तो पुलिस हमेशा वहाँ पर है। पुलिस की प्रेजेंस हो, रोड पर हो, सब जगह हो, हमारा रिस्पांस टाइम अच्छा हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उसी क्रम में ये गश्त, रात्रि गश्त और शाम को जो कस्बा भ्रमण की बात मैंने बताई थी वो चल रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि आगे भी हम इसको और प्रभावी तरीके से कराएं।
और हम जो जिस किसी भी तरह के जो अवैध गतिविधियां हैं या अपराध हैं उन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। ये तो डॉक्टर शिवदयाल सिंह एसपी देवास, जिन्होंने कहा कि कस्बा भ्रमण, सर्चिंग एवं रात्रि गश्त निरंतर जारी रहेगी और उनका शहर में बढ़ने वाले अपराधों पर कंट्रोल किया जाएगा। कैनन के लिए देवास से अमित बागलीकर। कैनन न्यूज के लिए देवास से अमित बागलीकर की रिपोर्ट।